हेलो गाइस, आज वीडियो में आप रिव्यू करने वाले हैं अल्ट्रा ब्राइट क्रीम का। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस क्रीम को यूज़ करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या सच में क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे और जाइयों जैसी प्रॉब्लम को ठीक कर पाएगी और आपके चेहरे को गोरा बनाएगी, और आपको इस क्रीम को कब और किस तरीके से यूज़ करनी चाहिए। आज इस क्रीम के बारे में आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए मेरे डायमेस्ट की वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आप देख सकते हैं मेरे पास आज अल्ट्रा ब्राइट ट्रिपल एक्शन क्रीम है। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस की बात कर लेते हैं। ये मेरे पास 15 ग्राम का पैक है और उसका प्राइस है 125 रुपीज़, लेकिन ये मुझे मेडिकल स्टोर से 50 रुपीज़ की मिली है। और बात करें इस क्रीम के मेडिसिन कॉम्पोजिशन की, तो आप देख सकते हैं इस क्रीम में 3 मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, हाइड्रोक्विनोन, टिटिनोन एंड मोमेटासोन। एंड जब बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के बेनिफिट्स की, इस क्रीम को यूज़ करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। गाइज, अगर आपके फेस पर झाइयाँ, मेलाज्मा, डार्क सर्कल, डार्क स्पॉट या आपकी स्किन सनलाइट की वजह से काफ़ी डार्क पड़ चुकी है, तो इसी कंडीशन में आपको इस क्रीम को यूज़ करनी चाहिए। इन सभी प्रॉब्लम के लिए ये क्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और गाइस, अगर आपके फेस पे दाग धब्बे और झाइयों जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आप इस क्रीम को केवल चेहरा गोरा करने के लिए यूज़ में लेना चाहते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे ही आप इस क्रीम को लगानी स्टार्ट करते हो और जब तक आप इस क्रीम को यूज़ करते हो, तो ये क्रीम आपके चेहरे को थोड़ा गोरा तो कर देगी, लेकिन फिर जैसे ही आप इस क्रीम को लगानी बंद करोगे, तो ये क्रीम आपके चेहरे को पहले से भी ज़्यादा काला और ख़राब कर सकती है। इसीलिए मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आपको इस क्रीम को एज ए फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताई, तो इन सभी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप इस अल्ट्रा ब्राइट क्रीम को यूज़ कर सकते हो। आपको इस क्रीम का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के साइड इफेक्ट की। गाइस, अगर आप इस क्रीम को सही तरीके से यूज़ में नहीं लेते हो, तो आपको इस क्रीम के काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस क्रीम को लगाने के बाद डायरेक्ट धूप में जाते हो, तो आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस आ सकती है और आपकी स्किन में हल्की हल्की जलन भी हो सकती है। और अगर आप इस क्रीम को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ में लेते हो, तो ये क्रीम आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा पतला भी कर देती है। इस क्रीम के साइड इफेक्ट से बचने के लिए आपने इस क्रीम को लगाने के बाद धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आप जाते भी हो, तो आपने कोई अच्छा सा सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद ही सनलाइट में निकलना है। और गाइस, आपने एक बात का और ध्यान रखना है कि आपने इस क्रीम को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ में नहीं लेनी है। जैसे ही आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, वैसे ही आपने इस क्रीम को लगानी बंद कर देनी है। गाइस, ये तो बात हो गई इस क्रीम के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट की। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम को यूज़ करने के सही तरीके के बारे में। गाइस, आपने इस क्रीम को केवल रात में यूज़ करनी चाहिए, दिन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। आपने रात में सोने से आधे घंटे पहले अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है और अच्छे से क्लीन करने के बाद इस क्रीम को लगा लेनी है, और फिर सुबह उठकर आपने सनलाइट में जाने से पहले अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। गाइज, अगर आप इस क्रीम को इसी तरीके से यूज़ करते हो, तो 15 से 20 दिनों के बाद ही आपको इस क्रीम का काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन गाइज, वीडियो के लास्ट में आपको यही सजेशन दूंगा, आप जिस भी मेडिकल स्टोर से इस क्रीम को लेते हो, वहीं से आपने अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस क्रीम के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी है, उसके बाद ही आपने इस क्रीम को यूज़ करना है। सो गाइज, यही था इस अल्ट्रा ब्राइट क्रीम का रिव्यू। गाइज, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखने का मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।